लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब जमहूरियत खुली फजा में चल रही है। इससे पहले इंतखाबात का ऐलान होने पर हड़ताल की कॉलें आती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आजादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए राम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन। दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली, इनटू द सेम टर्मोइल आउट ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज पुल्ड इट आउट विद ट्रेमेंडस एफर्ट। एंड आई एम श्योर द कॉमन मैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर विल नेवर अलाउ दैट। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये मोदी जी की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये संकेत दे रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वही दौर वापस आए, वही 8% वोटर हो। और इलेक्शन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन टॉकिंग लाइक दिस इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, आई सेड राइजिंग अबाउ द पार्टी लाइंस वट एवर बी द पार्टी, आई थिंक द बिगेस्ट सेलिब्रेशन इन कश्मीर वैली टूडे इज that we have every political party coming out for campaign.